जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का नया वाला लिस्ट यहाँ पर जो जारी कर दिया गया है, जिसके तहत आपको यहाँ पर 1,20,000 रुपए की राशि दी जाती है घर बनाने के लिए। दोस्तों अगर आपका इस लिस्ट में नाम होता है तो आपको यहाँ पर जब पहले ही किस्त में 40,000 रुपए की राशि आपके खाते में भेजी जाएगी। दोस्तों इस लिस्ट में अपना नाम कैसे देखना है कि दोस्तों अपने गांव का पूरा लिस्ट आप कैसे निकाल करके देखेंगे कि आपके गांव में किन किन लोगों को यहाँ पर जब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का पैसा मिल रहा है। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी तरह अपडेट मिलती रहे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इनका इंटरफेस खुल करके आ जाता है। यहाँ पर भी देख पा रहे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण करके आ रहा है। सबसे ऊपर में देखेंगे तो आपको यहाँ पर साइड में एक मेनू वाला ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ढेरों ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। आपको क्या करना, आवास सॉफ्ट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आवास सॉफ्ट वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई ऑप्शन यहाँ पर खुल करके आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रिपोर्ट वाला जो ऑप्शन देखने को मिल पा रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप रिपोर्ट वाले सेक्शन पर इस तरीके से आ जाएंगे। अब यहाँ पर भी आपको कई तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि किसका आप यहाँ पर रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो सिंपली आपको इस तरीके से स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ई वाले सेक्शन पर आना है। ई वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर चौथे नंबर पर देखेंगे कैटेगरी वाइज SECC डाटा वेरिफिकेशन समरी, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर चेक करने के लिए फिल्टर यहाँ पर आ जाता है। तो सिंपली आपको सबसे पहले स्टेप में आपको अपना स्टेट चूज करना होता है। आप यहाँ पर जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी राज्य से हैं, अपने राज्य का देखना चाहते हैं तो इस तरीके से अपने राज्य को सिलेक्ट कर लेंगे। उनके बाद यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए आपको प्रोसेसिंग लेगा, आपको वेट करना है। फिर उनके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता होगा अपने डिस्ट्रिक्ट को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। उनके बाद आपको अपने यहाँ पर प्रखंड चूज करना है कि आप यहाँ पर कौन सा प्रखंड पड़ता है। फिर उनके बाद इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा, आपको यहाँ पर कुछ सेकंड तक वेट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पर पंचायत का ऑप्शन आता है। इनमें आपका जो भी पंचायत होगा अपने पंचायत को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको प्रोसेसिंग लेगा, आपके यहाँ पर कुछ सेकंड तक वेट करना है। उनके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 10+60 यहाँ पर कितना होता है, तो वो आप यहाँ पर काउंट करके इस जगह आपको फिलअप करना है कैप्चा के तौर पर। अगर आपको यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर उल्टा आता है तो आप यहाँ पर रिफ्रेश भी कर सकते हैं, या कभी कभी आपको माइनस करने के लिए बोलेगा तो आप यहाँ पर माइनस करके कैप्चा फिलअप कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर फटाफट यहाँ पर जो कैप्चा को फिलअप कर देते हैं। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाला ऑप्शन मिलता है, इन सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत वेट करने के लिए बोलेगा तो आप यहाँ पर वेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब तक पूरा प्रोसेस नहीं लेगा तब तक आपको यहाँ पर पूरा लिस्ट देखने को नहीं मिलता है। तो देख पा रहे हमारे पर पूरा प्रोसेस ले चुका है। अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने डाउनलोड एक्सेल एंड डाउनलोड पीडीएफ का भी ऑप्शन आ चुका है। नीचे आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने पूरी लिस्ट यहां पर खुल करके आ चुकी है कि इस बार यहां पर 2022 में किन-किन लोगों को यहां पर जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का पैसा मिलने वाला है। तो सिंपली आपको इनका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहीं पर आपको डाउनलोड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर डाउनलोड के लिए आ जाएगा। इसके बाद कुछ इस तरीके से यहां पर जब पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और इस लिस्ट में आपके पंचायत का जितना भी व्यक्ति होगा उन सभी का आपके यहाँ पर नाम देखने को मिल जाएगा कि आपके पंचायत में किन किन लोगों को यहाँ पर जब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का पैसा मिलने वाला है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नेम देखने को मिलेगा, ब्लॉक नेम, पंचायत नेम, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, बेनिफिशियरी का क्या नाम है, वो भी आपको इसी जगह देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों उनके फादर का क्या नेम है, मदर्स का क्या नेम है, वो भी आपको इसी जगह देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर पीडीएफ में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं या फिर इनको प्रिंट आउट आप निकाल करके अपने पास रख सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके पंचायत में किन किन लोगों को यहां पर जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का पैसा मिलने वाला है। दोस्तों अगर आपको इस लिस्ट में अपना नाम ढूंढने में काफी दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको सबसे ऊपर आना है। यहां पर आपको एक सर्च वाला आइकन देखने को मिल पा रहा है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर जो भी व्यक्ति होगा उस व्यक्ति का आपके यहां पर नाम टाइप कर देना है। जैसे कि हमने यहां पर एक व्यक्ति का नाम पहले से कॉपी करके रखा है, सिंपली हम यहां पर पेस्ट करेंगे और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आप लोग देख पा रहे कि इस व्यक्ति से जो भी यहां पर नेम है वो हमें यहां पर इस तरीके से हाईलाइट में देखने को मिल पा रहा है, मतलब इस व्यक्ति को यहां पर जो इस बार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का पैसा मिलने वाला है। इस तरीके से आप यहां पर नेम, उनके पिताजी का नाम, उनके माताजी का नाम आप यहां पर मिला करके चेक कर लेंगे कि यहां पर इस बंदे को पहला किस्त का पैसा यानी कि 40,000 रुपए की राशि इनके खाते में यहां पर जो भेजे जाएंगे। सो इस तरीके से आप यहां पर इस लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए
तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके।